दोस्तों सब्सक्राइब करो और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियोस सबसे पहले। हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है। ना लूंगा ना दूंगा, नेक्स्ट। अभी तक लीडर पैदा हुए हैं, रूलर पैदा हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। मुझे बिजनेस करना है। वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की। बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, जाओ अपना काम करो। तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? 75 साल। उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? माँ को कोई बेचता है सर? अपनी माँ समान पार्टी को क्यों बेच रहे हो? अपने एरिया में जाओ, एक एक घर में जाओ और पूछो उनसे कि उनकी समस्या क्या है, वरना तुम लोगों की समस्या बन जाएगी। इस तरह से थर थर कांप रहे हैं यूपी के अफसर। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं आगे आता हूँ, इमोशंस नहीं चलते, फीलिंग्स नहीं चलती। भाई अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, जान प्यारी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ओपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। धरती फाड़ कर शेर निकल आया है, अब हर एक के साथ इंसाफ होगा। Once I step in, history repeats.